अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो नहायत करीम और रहीम है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ हेडलाइन और कोरोना की अपडेट्स। आज की फर्स्ट न्यूज़ में मैं आप सब दोस्तों को ये बताऊँगा कि किस किस को यूई गवर्नमेंट की तरफ से तो 3 महीने मज़ीद दिए गए हैं, कौन कौन जा सकेगा और कौन कौन नहीं जा सकेगा इसमें। इसके अलावा मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा कि इतिहाद एयर ने कुछ न्यूज़ तो अपना ऑपरेशन फ्रेट ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं कुछ सिटीज़ में, उनके मुताबिक भी अपडेट दूंगा। इसके अलावा इन सैट टू यूई की कुछ न्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपको दूंगा। इससे पहले रिक्वेस्ट करता चाहूँ कि लाजम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ ये ज़रूर इंफॉर्मेशन को शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं कि यूई गवर्नमेंट किस किस को मज़ीद इसने 3 महीने का टाइम दिया है और क्या दो लोग यहाँ से जाएंगे, क्या वो वापस आ सकेंगे या ब्लैक लिस्ट तो नहीं हो जाएंगे। इसके मुतलक न्यू एक अपडेट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज उन्होंने क्रियर तो ये न्यूज़ आई है गल्फ़ न्यूज़ में जो कि आपके सामने भी आ रही है और एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसमें क्रियर उन्होंने मैंशन किया दो लोग यहाँ से जाएँगे, सही है, जिनके मार्च से पहले के वीज़ा एक्सपायर हैं, मार्च के बाद एक्सपायर हैं, यानी जो लोग भी हैं सबको उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया है। तो के नॉर्मल तक का टाइम है 3 महीने का माशाल्लाह से, तो के अच्छी बात है। उन्होंने सब लोगों को रिपीट करवाया है कि भाई जो लोग यहाँ से जाएंगे वो वापस आ सकेंगे, उन पर कोई भी ट्रैवल का बैन यानी कि उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाएगा। जो कि एक न्यू अपडेट आई थी आज की, उसकी तो कल अपडेट आई थी, उसकी मज़ीद अपडेट आई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि जो दुबई से जाएंगे जिनके दुबई के वीज़े उनको आउट पास बनवाना पड़ेगा, तो लेकिन इन सैट अब बाकी सिटीज़ के हैं यानी कि अबूजैबी में या शारजा में, उनको आउट पास की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट 6 घंटे टिकट लेके एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। जो कि आज की अपडेट आई थी न्यूज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा अगेन आज बता रहा हूँ कि GTF यानी कि दुबई है उसकी तरफ से अगेन अपडेट ये दी गई है कि बहुत से लोग जो आ रहे हैं डायरेक्ट आ रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पर, जिनको वहाँ से वापस किया जा रहा है बिकॉज कि उनके पास ICA या GTF की अप्रूवल नहीं है। इसलिए उन्होंने अपडेट ये दी है कि जो लोग भी वहाँ से आएँगे और कंट्री से, फिर पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं दुबई के लिए, उनको उन्होंने क्लियर बोला कि उनके पास लाजम ICA की या GTF की अप्रूवल होना ज़रूरी है। आज भी उन्होंने अपडेट की थी, कल भी ये तो गुजर गया उसमें भी उन्होंने यही अपडेट दी थी कंटिन्यू, यानी कि उनकी अपडेट यही आ रही है न्यूज़ की कि लाजम अप्रूवल चाहिए दुबई में आने के लिए। इसलिए आप टिकट करवाने से पहले कन्फर्म कर लें कि आया आपके पास अप्रूवल है या नहीं है। जो लोग आ रहे हैं बाकी सिटीज दुबई अबूजैबी में शारजा में, उनके बाद तो उनकी वेरिफिकेशन होनी ज़रूरी है यानी कि उनका ग्रीन कलर का एगन आना जरूरी है जिसमें लिखा हुआ है कि वो सफ़र कर सकते हैं। अगर रेड कलर का उनको आ रहा है या 16 डे का आ रहा है तो उनको वेट करना पड़ेगा, वो टिकट अपनी बुक ना करवाएं। इसके अलावा वीज़ा के मतलब बता रहे हूँ कि वीज़ा का स्टिल कोई न्यू अपडेट नहीं आई है, जैसे ही वीज़ा के मतलब कोई अपडेट आई कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी तक कोई पुरानी अपडेट है कि कोई ट्रैवल एजेंट बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक अमर सेंटर वालों ने 20 और 40 साल का तो मसला बनाया, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। मे बी 2-3 दिन या 4 दिन में कोई नई अपडेट आ जाए तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके बाद माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, जितने भी मेरे इंडिया के भाई हैं दोस्त हैं जो स्पेशली अबूजैबी में रह रहे हैं तो उनको बताया जाओ इतिहाद एयरवेज की तरफ से एक माशाल्लाह से अच्छी न्यूज़ ये आई है कि उन्होंने बोला कि टेम्परेरी तौर पे वो 3 तो हैं इंडिया के सिटीज़ उसमें वो प्रवास चलाने जा रहे हैं, जो कि इंडिया के शहर पहले इस उनके तो प्रवास के शेड्यूल था उसके अंदर वो शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने बोला कि आज से यानी कि उन्होंने उस फ्लैट ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया है। तो बता दो ये कौन कौन से एरिए हैं, तो बता दो इसमें उनके 3 सिटीज़ हैं, तो 3 सिटीज़ कौन कौन से हैं इसमें, मुंबई है, दिल्ली है और इसके अलावा तो बंगलौर है, यानी कि 3 सिटीज़ में फ्लैट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया है। और उन्होंने साहब बोला कि तो वहाँ से लोग आएंगे उनको 96 आवर बिफोर कोरोना टेस्ट की लाजम ज़रूरत है। इसके बाद किया कि नेक्स्ट एक और अच्छी अपडेट है तो मेरे इंडिया के दोस्त हैं उनके लिए ये आई है एयर इंडिया की तरफ से, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ये अपडेट ये है कि पहले आपको सब दोस्तों को पता था तो एयर इंडिया एक्सप्रेस में आते थे उनको 72 आवर पहले कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ता था, लेकिन अभी की अच्छी खबर ये है कि उनको अभी 96 आवर दे दिए गए, उनको अभी कोरोना का टेस्ट 96 आवर पहले देना करवाना पड़ेगा। तो कि 21 अगस्त से उन्होंने लागू कर दिया कि 21 अगस्त से उनको 96 आवर पहले कोरोना का टेस्ट करवाना पड़ेगा। इसके बाद की तो नेक्स्ट अपडेट है वो है दुबई की तरफ से, बता दूँ कि दुबई की तरफ से ये न्यूज़ की गई है दी गई है कि सिर्फ स्टार्टिंग के हाफ ईयर 2020 में अभी तक तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा तो मुसाफिर हैं वो दुबई एयरपोर्ट से सफ़र कर चुके हैं, जो कि माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी बात है कि कोरोना होने के बावजूद भी इतने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दुबई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के बावजूद आने के बावजूद भी अपने कदमों पर कैम डैम है, बेतक लोगों की जॉब्स वगैरह कहीं हैं, लेकिन अभी भी दुबई इंशाल्लाह फिर दोबारा उसमें तो वापस सब लोग आना स्टार्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ मिलने बहुत ज़्यादा न्यूज़ें मिलना स्टार्ट होंगी दुबई की तरफ से। इसके बाद की तो नेक्स्ट आज की मेरी न्यूज़ है वो मेरी सभी उन दोस्तों के लिए है जो फजीरा में रह रहे हैं।
उनको बता रहा हूँ कि कोरोना वायरस के लिए एक उन्होंने वहाँ पे कैंप लगा दिया, जैसे कि पहले बताया था कि दुबई अबू धाबी में कैंप लगाए गए थे फ्री टेस्ट के लिए, ऐसे ही फजीरा में उन्होंने एक फ्री ऑफ कास्ट कोरोना टेस्ट के लिए उन्होंने एक कैंप लगा दिया है। जिन लोगों ने कोरोना का टेस्ट वगैरह करवाना है वो वहाँ पर जाके फ्री ऑफ कास्ट करवा सकते हैं, यानी कि उन पर कोई एक्स्ट्रा पैसे वगैरह कुछ देने की ज़रूरत नहीं था, वो जाएंगे वहाँ पर वो कोरोना टेस्ट अपना करवा सकेंगे। इसका ये फ़ायदा तो लोग वहाँ से अपने पाकिस्तान कंट्री वगैरह के लिए भी जा रहे हैं किसी और कंट्री के, जब वो भी वहाँ पे अपना जाने से पहले कोरोना टेस्ट फ्री ऑफ कास्ट करवा सकते हैं, तो एक अच्छी सर्विस है इन फजीरा की तरफ से दी जा रही है सब लोगों को। इसके बाद की तो आज की नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो दुबई आरटी की तरफ से है, और बताता हूँ कि जैसे कि सब लोगों को पता है कि 31 अगस्त से यूई के अंदर बहुत से स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, तो उसके मतलब उन्होंने ये अपडेट दी है कि जो स्कूल ओपन होंगे तो उनकी बसेस हैं जिनमें वो तो बच्चों को ले के आएँगी, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी लिस्ट दी है जिस लिस्ट की मैं थोड़ी आपको तफसील दे रहा हूँ कि क्या क्या यूई गवर्नमेंट सेफ्टी कर रही है इन बच्चों के लिए। तो बताया सबसे पहले उन्होंने ये सेफ्टी की है, तो बस का तो मैक्सिमम यानी कि 100 बच्चे फॉर एग्जाम्पल बस में आते हैं तो वहाँ पे से 50 हैं कि यानी कि एक सीट पे बच्चा होगा और एक सीट इम्पिटी होगी, सबसे परी ये चीज़ है। इसके अलावा बस के अंदर हैंड सैनिटाइजर का पूरा निज़ाम होगा, जो बच्चा आएगा वो हैंड सैनिटाइजर लगाएगा सबसे पहले, उसके बाद हैंड ग्लव और जो फेस मास्क का वो लाजम है, उसके बगैर वो बस में नहीं बैठ सकता बच्चा। इसके बाद तो सबसे अच्छी बात यह है कि बस को डेली बेसिस पे हैंड सैनिटाइजर किया जाएगा, उसके अंदर स्प्रे किया जाएगा जो जर्सीम कुछ होता है कि यानी कि उसके अंदर कोई ऐसा बैक्टीरिया वगैरह बाकी ना रहे। इसके बाद तो एक और बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह थे कि जो बच्चा बस के अंदर आएगा वगैरह वहाँ पे एक नर्स होगी तो उनके बॉडी का टेम्परेचर टेस्ट करेगी, उसके बाद वो बच्चों को बस के अंदर बैठने देगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर बताता जाऊँ कि इसके अलावा भी यानी कि जितना भी स्टाफ होगा बस का या स्कूल का उन सबको कोरोना का टेस्ट लाजम है उनके लिए, उनको पूरी तो पीपी की सेफ्टी यानी कि कोरोना की पूरी एहतियाती तदबीर करनी लाजम है, अदरवे उनको यानी कि बस चलाने की परमिशन नहीं होगी, और फिर उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कानून लागू किए हैं, उन्होंने बोला कि अगर तो इन कानूनों को फॉलो नहीं करेगा उस पर वो गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैन वगैरह भी किए जा सकते हैं। अगर इसके बाद आज हम बात करते हैं यूई के कोरोना केसेस के मुतल्लिक, तो बता दो आज जो यूई में कोरोना केसेस आए हैं उनकी तादाद है 365, और जो अब तक टोटल हो चुके हैं यूई में कोरोना केसेस के पेशेंट उनकी तादाद है 64,906, और जो माशाल्लाह से अब तक ठीक हो चुके हैं उनकी तादाद टोटल अभी तक हो चुकी है 57,909, और जो अभी सिर्फ यूई में मौजूद हैं उनकी तादाद 6,300 बाकी है। इसके अलावा आप दोस्तों को याद करवाता जाऊं और बताता जाऊं, जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिन दोस्तों ने आज सब्सक्राइब कर ली है कर चुके हैं करने वाले हैं सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। इसके अलावा सब दोस्तों को याद करवा देता हूँ कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू अपडेट न्यूज़ आपको टाइम पर मिल सके, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी वो नोटिफिकेशन आपके सामने नहीं आएगा और आप नहीं पढ़ सकेंगे कि आज की यूई की क्या न्यू अपडेट आई है।